नमस्कार, मैं हूं मनोज तिवारी और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र चौधरी के पुतला दहन के दौरान आपस में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता, खूब चले लाठी डंडे और घूंसे। कांग्रेस पार्टी द्वारा नरियावली विधानसभा क्षेत्र से सुरेंद्र चौधरी को टिकट दिए जाने का विरोध लगातार जारी है और इसको लेकर सुरेंद्र चौधरी का पुतला जलाया जा रहा है। उक्त विरोध को लेकर अब कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में मारपीट भी करने लगी है। ताजा मामला बुधवार की दोपहर मकरोनिया के झांसी रोड पर, उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर लात घूंसे भी चले। मिल रही जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए सुरेंद्र चौधरी का पुतला दहन किया जा रहा था। इसी दौरान कांग्रेस नेता अशरफ खान ने पुतला दहन रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद गहमा गहमी बड़ी और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। विवाद के दौरान अशरफ खान को चोटें आई हैं। वहीं इस मामले में कांग्रेस नेत्री शारदा खटीक ने सुरेंद्र चौधरी के लोगों पर मारपीट करने और धमकी देने का आरोप लगाया है। विरोध प्रदर्शन किया है, दिग्विजय सिंह का, सुरेंद्र चौधरी का पुतला दहन कार्यक्रम था। सुरेंद्र चौधरी के आदमी आके और हमारे लड़कों को मारने लगे और उनने विरोध किया है और गाली गलौज की है, गुंडागिर्दी की है। और वो आ गए हैं कि मौसी तुम शांत रहना, मेरे को नुंगी बता रहे, मेरे को जान से धमकी दी है, मेरे बच्चों को मारने की धमकी दी है। ये पुतला जलाने की जरूरत क्यों पड़ गई आपको? ये पुतला जलान मैंने नहीं जलवाया, ये विधानसभा की पब्लिक जला रही है। ये मैं नहीं जलवा रही, वो जनता खुद मुझे घर से लेके आई कि आप चलो मौसी, तो और जलेंगे और आपकी नाराजगी हम दूर करेंगे। ये टिकट बदले नरियाली विधानसभा का, अगर नहीं बदलेंगे तो हम और पुतले जलाएंगे। इसको लेके क्या आप पुलिस में थाने में? पुलिस में जा रही हूँ, थाने में रिपोर्ट करेंगे। मैं पुनः अपील कर रहा हूँ उन सारे लोगों से कि ये चूंकि व्यक्तिगत सुरेंद्र चौधरी ने कोई फैसला नहीं किया है, अगर कहीं आपके अंदर गुस्सा है, मलाल है, कोई भी बैठ के उससे बात करें। इस तरीके से हमारे आपस में मतभेद से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचता है। मेरी उन सबसे गुजारिश है कि इस तरीके से व्यवधान और इससे आपका हल करने के लिए हाईकमान को निर्णय करना है, कोई हमें निर्णय नहीं करना। कि हमने तो उनसे कहा था कि हमें आप में से किसी को टिकट मिल जाए, हम आपस में लड़ें ना, हमें भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, सरकार की कुशासन से लड़ना है, नीतियों से लड़ना है। बावजूद इसके भी अगर जो इस तरीके से कोई ये कर रहा है तो ये एक लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, गैर लोकतांत्रिक तरीका है। और दुर्भाग्य ये है कि यहाँ सत्तारूढ़ दल जो है जिस तरीके से इस तरीके खुली छूट दे रहा है, जबकि उसको जानकारी है सत्तारूढ़ दल को कि ये घटनाएँ घट रही हैं, बावजूद इसके प्रशासन और शासन एक तरफा इस तरीके से भेदभाव में कार्रवाई कर रहा है। मुझे बेहद दुख है। मैं चाहूँगा कि शांति की, अगर यहाँ मतदान चाहता है शासन प्रशासन, तो इस तरीके की घटनाओं को रोके। और जो भी कार्यकर्ता इसमें भाग ले रहा है, मैं उनसे भी अपील करूँगा कि भाई इनके बहकावे में ना आए, क्योंकि कांग्रेस जीत रही है। इस जीत के बौखलावे से घबराहट होकर वह हमें व्यवधान डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। हम हर हाल में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से परास्त करेंगे, कांग्रेस को विजय बनाएंगे, यही मैं आपसे कहना। कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई हैं, इसमें क्या पुलिस के पास जाएंगे? इस संबंध में मुझे अभी जानकारी नहीं है, मैं सारे कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद। खबर लिखे जाने तक दोनों पक्षों ने मकरोनिया थाना पहुंचकर मामले की शिकायत की है। सागर से जिला ब्यूरो राजेश पारासर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। बुंदेलखंड की ताज़ा तरीन तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज के साथ।